please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने ऑलरेडी इस तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखा हूं। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल इजीली फोटोशॉप के अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उस डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को आप किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ और मैं आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करके रखा हूँ। दोस्तों, इस वाले आपके पास जो भी जिस तरीके का भी डॉक्यूमेंट है तो आप इजीली फोटोशॉप के अंदर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। तो सबसे पहले काम आपको इस डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर फोटोशॉप CS3 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास जो भी वर्जन जिस तरीके का वर्जन भी है तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को इजीली हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों, आपको जूम करने के लिए सिंपली कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस आपको बटन प्रेस करते आना है तो आप इजीली जूम कर सकते हो, या फिर आपको माउस का ऑल्ट बटन होल्ड करते हो, आपको माउस का कीबोर्ड का ऑल्ट बटन होल्ड करते हो, माउस का स्क्रॉल अप डाउन इस तरीके से कीजिए तो आप इजीली जूम आउट जूम इन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए जस्ट आपको सिंपली यहाँ पर टूल बार के अंदर आकर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के अंदर आकर आपको इस तरीके से राइट क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों राउंडेड रेक्टेंगल टूल, या फिर आपको रेक्टेंगल टूल, जो भी टूल आपको दोनों में आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल यूज़ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल यूज़ करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली सबसे पहले आपको यहीं पर क्लिक होना चाहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन के अंदर सेव लेयर के अंदर क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप बाद में भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अब आपको जहाँ पर इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इजीली हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट किया है तो आप इजी तरीके से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जो कलर आपको पसंद है आपको इस तरीके से डबल क्लिक करते हो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, लेयर पैनल के अंदर एक और न्यू लेयर बनकर आ चुका है। इस लेयर पैनल के अंदर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आपको जो कलर पसंद है, जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो कलर चूज किया, येलो कलर चूज करूंगा। येलो कलर चूज करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर ही आकर आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वाला ब्लेंडिंग मोड के अंदर आकर इसको आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए सिंपली आपको नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों तुरंत इस तरीके से आपको हाईलाइट बनकर दिख जाएगा। दोस्तों, देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, आपको इजीली कंट्रोल टी करते हैं आप इस तरीके से साइज वगैरह छोटा वगैरह करते हुए आप इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर आपको हाईलाइटर बनाना है तो बना सकते हैं। इसको आप जो कलर पसंद है आप डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि रेड कलर पसंद है तो आपको रेड को थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी करते हैं आपको साइज को छोटा वगैरह करते हैं आप इस तरीके से मैनेज वगैरह कर सकते हो। आप इजीली इसको बड़ा चाहते हो तो बढ़ाना चाहते हो तो आप इजीली इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो। इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अब आपको सो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर आपको हाईलाइट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल टी करते साइज छोटा कर रहा हूँ और इसको दोस्तों लेयर पैनल के अंदर ही आकर कलर के ऊपर मैं डबल क्लिक करते दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का हाईलाइट करना चाहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो, ग्रीन कलर का भी हाईलाइट हो चुका है। अब आपको सिंपली फिर से आप बनाने चाहते हो तो आप बनाकर भी इस तरीके से आप इजीली दोनों को हाईलाइट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप दोनों को हाईलाइट भी इजी तरीके से कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये वाला कलर आपको पसंद है तो ये वाला कलर भी आप इस तरीके से हाईलाइटर वगैरह इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हो, ये भी मैंने बना चुका। अब मैं फिर से यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते हुए इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे इस टाइम थोड़ा सा बल्की सा कलर यूज़ करूँगा, ये वाला ऑरेंज का। आप चाहे तो जो कलर का हाईलाइट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं ये वाला। तो इस तरीके से आप इजीली फोटोशॉप के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट बना सकते हो दोस्तों। अब आपको सिंपली इसी को ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेस करते हुए आपको इस तरीके से मैनेज वगैरह करते हुए थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट बना चुका हूँ। इसको आपको सिंपली ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए आपको कंट्रोल टी करते हुए जहाँ पर आपको हाईलाइटर कलर चेंज करना है इस तरीके से डबल क्लिक करते हुए लेयर पैनल के अंदर
आप इजीली जो कलर आपको पसंद है आप इस तरीके से हाइलाइटर बना सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने इजीली यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पर इजीली हाइलाइटर बना चुका हूँ। दोस्तों आप भी इसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर हाइलाइटर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। दोस्तों कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का आज के इस वीडियो के साथ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में मिल भी रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नई टॉपिक के ऊपर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।